बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, और इधर ये रहे ये अंडा और मूँगफली। अंडा अभी अंदर पड़ा, रात का उबला हुआ था, ठंडा आ चुका है, इसलिए मैंने अभी नहीं खाया। मूँगफली मैंने खा ली है, छिलकी इसके अंदर है, अभी इसे थोड़ा बाद में गर्म करके खाएँगे अंडे को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कज़न की जो मंगनी हुई है, वहाँ पर सगन कि जो रस्म है वो करने जाना है। गांव में यहाँ पे एक गांव का नाम अम्बड़ सदगा, वहाँ पे जाना है। पिछले संडे जो कज़न के घर गए थे, उसका सगन डाला था, और आज दिन है लड़के का सगन डालने का। तो 2 जनवरी को शादी है कज़न की, 2 जनवरी को बारात आएगी। जो पहली संडे रखी है ना, जिस पहली संडे आई है जनवरी की, वो दिन मुकर्रर किया शादी का, और वो तारीख आती है 2। तो अभी मैं बिस्तर में हूँ, देखिए बेड पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। धुंध इतनी शदीद पड़ रही है, धुंध बारिश की तरह बरसती है, और तकरीबन 10-11 बजे जाकर सूर्य निकलता है, तब जाकर कुछ सुकून मिलता है, वरना सभी लोग बिस्तर में ही दबके रहते हैं। नात शरीफ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। असल में आज संडे है, और हर संडे को हमारे यहाँ जो पड़ोस में मस्जिद है, वहाँ पर मस्जिद के लिए गराई की जाती है। जो भी लोग हैं वो अपने अपने तोफ़ी के मुताबिक अपना जो हिस्सा है, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500, जितना भी किसी को तोफ़ी में आता, वो अपना हिस्सा मस्जिद में डाल देते हैं। तो बच्चा माशाल्लाह कितनी प्यारी नात शरीफ पढ़ रहा है। तो मैंने भी सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद ऐलान किया था। मैंने ऐलान इस तरह किया कि जैसा कि आपको पता है कि आज इतवार है, और हर इतवार को मस्जिद के लिए गुराई की जाती है, तो तमाम गांव वाले अपने अपने तोफ़ी के मुताबिक अपना जो हिस्सा है वो डालते जाएं, और जिनके बच्चे मस्जिद में कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं उनको भी भेज दें। तो ये मैंने ऐलान किया था। तो भाई मैं दोबारा देखें बिस्तर में घुसने लगा हूँ, लाइट भी चला गई है, तकरीबन 2-3 झटके मारे हैं और लाइट टाटा फिनिश। तकरीबन ये हफ़्ता हो चुका है, कभी लाइट आती है कभी जाती है, इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है क्या तंगी है। देखें किस तरह ये चमकारे मार रही है, नुकसान होगा, किसी की मोटर जल गई, किसी की फ्रिज उड़ गई, बहुत सा नुकसान होगा हमारे गांव वालों का। ट्रांसफार्मर लगा के गए हैं वो, पता नहीं कितना बगैर ढेर किस्म का ट्रांसफार्मर है, कि कभी लाइट आती है कभी जाती है, और लोगों की जो मोटरें हैं वो जल गई हैं। तो खैर अभी मैं तो जाता हूँ बिस्तर में। देखिए मैं बिस्तर में आ गया हूँ, मैंने अपने मोबाइल के जो कैमरे का फ्लैश है वो ऑन किया है, इसलिए आपको अंदर का जो नज़ारा है बिस्तर का वो भी दिखाई दे रहा है। तो भाई बाहर बहुत ठंड है। अभी मैं छत पे आया हूँ, तो देखें आप कितनी शदीद किस्म की धुंध पड़ी है। मोबाइल की स्क्रीन पर भी जो धुंध के कतरे हैं वो गिरे हैं, और जैसे जैसे किसी ने पानी फेंका है, ये देखें। तो भाई सर्दी ने तो इतनी ज़्यादा उधर मचाया हुआ मैंने कि क्या ही बोलें, ठंड इतनी बढ़ चुकी है ना। एक होती है गीली सर्दी, जिसमें मतलब कि होती तो है लेकिन इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन ये खुश्क सर्दी इतनी तेज़ है कि हाथ पांव भाई सुन हो रहे हैं। यहाँ पर आप बाहर देखें, 2-3 दिन पहले पड़ी थी तो फिर भी कुछ बचा थी, लेकिन आज तो भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखें कितने पास से हो के जैसे धुआं ही धुआं इस तरह ये हर तरफ फैली हुई है, हमारा गांव भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी शदीद किस्म की धुंध पड़ी है। देखिए मोबाइल की स्क्रीन भी कितनी धुंधली हो रही है। वहां पर ना भैंस थी जो डेली वो बांधते थे यहां दरख्त के नीचे, लेकिन आज चूंकि ठंड भी ज़्यादा और धुंध भी काफ़ी है, ऊपर से जो पानी के कतरात है धुंध की वजह से नीचे गिर रहे हैं, तो इस तरह जो जानवर है वो बीमार हो सकता है, इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल से अभी अंदर ही बांधी हुई है। जैसे ही धुंध ख़त्म होगी या धूप निकलेगी तो वो बाहर बांधेंगे, वो उसकी खुरली है जहाँ पे वो बांध के उसे चारा वगैरह डालते हैं। और आज तो संडे है भाई, बच्चों की तो मौज मस्ती हो गई, आपको पता है कितने सर्दी में बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल होता है, तो खैर आराम करेंगे आज। तो भाई हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि आज कज़न की जहाँ शादी फिक्स है, वहाँ पर लड़के की सगन की जो रस्म है वो पूरी करने जाना था। तो सर्दी तो खैर चल जाएगी, लेकिन इतनी शदीद धुंध अगर रही तो भाई जाना मुश्किल होगा। आपको पता है कि इतनी शदीद धुंध में सफ़र करना, वो भी बाइक पे, ज़रा ख़तरनाक है,
हादसा वगैरह होने का ख़तरा होता है। रिसेंटली जो खबरें चल रही हैं कि बसें आपस में टकरा रही हैं, कोई ट्राले के साथ टकरा रही है, कोई आपस में लग रही हैं, और काफ़ी सारा जो माली और जानी नुकसान वो हो रहा है। खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो देखते हैं अगर सर्दी जो धुंध है वो कम होती है तो निकलते हैं भाई, जो सगन की रस्म है वो पूरी करने। घर वाले बर्तन धो रहे हैं, पूरे घर की सफाई की है, तो जो पानी है वो इस तरह हमारा रास्ते में बहता है। जो नालियाँ हैं वो पूरे गांव की बन चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नाली नहीं बनाई अभी तक। चलो जब तक नहीं बनती ऐसे ही हम यहाँ पे पानी फेंकेंगे, क्या करना है, फिर मजबूरी है हमारी भी। टमाटर के तो बूटे हैं यहाँ, यहाँ से उठा के तो गमले वगैरह में लगाएंगे, कमाल के टमाटर बढ़ते हैं। तो भाई देखें, यहाँ कल सरसों का साग पकाया था तो घर वालों ने जो छिलके हैं वो यहाँ पर फेंके थे। यार आज तो आप देखें किस तरह हर तरफ धुंध ही धुंध है। मैं तो कहता हूँ कि कमाल नहीं हो गया आज धुंध का, पूरा जोबन पे है। एक होता है कि ठहरी हुई नहीं, ये बरस रही है। जिस तरह छोटी छोटी बारिश की पड़ती है ना, वो कनियाँ जिसे हम अपनी ज़ुबान में कनियाँ बोलते हैं, तो उस तरह ये बरस रही है। देखिए हर तरफ चिटियाई ही चिटियाई है। हमसायों ने जानवरों के लिए चारा काश्त किया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ रेड सरसों ही का जो बीज है वो फेंका था, तो जो ग्रीन है वो तो समझे कि ना होने के बराबर है। जो बरसीम होता है वो भी नहीं है। ज़्यादा जो सरसों है वो रेड कलर की काश्त की हुई है। ये मामू जान का लहसुन है जो एक खलिहान है वो लगाया था, तो अभी ये इसे गोडी करने वाली है, इसलिए अभी ये छोटा है। तो खैर अभी ज़मीन थोड़ी गीली है, जैसे ही एक आधी धूप कड़ाके की लगती है तो इसे गोडी डालनी है। गोडी डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जड़ों को हवा मिलती है और ये जो लहसुन है वो ज़्यादा फलता फूलता है, ग्रो होता है। अभी भाई मैंने चादर की बुक्कल ले ली है और अम्मी जान ने हुक्म दिया कि दूध का डब्बा लेकर आओ, चाय पीनी है। तो अभी ये दोस्ती चाय मिक्स का पैकेट है, ये 20 रुपये का आया है। ये अभी हमारे यहाँ पे नज़दीक ही दुकान है, वहाँ से मैं ये लेकर आया हूँ। चलो घर वाले चाय तो पियेंगे भाई, दूध है जो वो भैंसों का या जानवरों का नहीं मिलता, ठीक है। एक तो महंगा, दूसरा लोग पानी बहुत मलाते हैं। तो चलें चाय के लिए, तो बस एक समझे कि फ्लेवर का ये काम करता है। छत पे आया हूँ ये अंडा और चाय लेके। इतनी सर्दी में चाय और अंडा खाने का मज़ा ही अलग है। ये रात वाला अंडा है जो कि मेरे हिस्से का बचा था, और अभी इसे दोबारा गर्म करके तो मैं चाय के साथ खा रहा हूँ। धुंध है कि भाई जाने का नाम नहीं ले रही। अभी मैंने अपने दूसरे चैनल असमर के लिए वीडियो भी क्रिएट करनी है, शूट करनी है। इतनी सर्दी में पानी के अंदर तो भाई मुश्किल हो जाएगी, अगर धूप ना निकली ऐसे ही बनाना पड़ेगी। तो खैर अंडा मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं, गर्मा गर्म अंडा। नमक साथ लाना भूल गया, नमक के साथ ज़्यादा मज़ा आना था। चलो खैर है, जैसे भी है अभी अंडा तो अंडा है। सर्दी में, सर्दी में जितने भी अंडे खाए जाए उतने ही कम है। तो दोस्तों चाय के साथ अंडा खाने का बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि सर्दी की जो शिद्दत है थोड़ी सी कम हो जाएगी और बॉडी को सुकून मिलेगा। तो जिस तरह की कंडीशन जा रही है ना धुंध की, मज़ीद बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता कि यह शाम तक ख़त्म होगी, और अगर सूरज ना निकला तो भाई फिर सगन की रस्म डालने जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाना तो पड़ेगा, अभी कॉल हुई थी खाला जान की कि आपने आना है, तो जैसे भी हो आना है। अभी देखें ख़त वगैरह करवाना है, जो बालों की कटिंग है वो भी करवानी है। बाल देखें कितने कितने बड़े हो गए हैं मेरे, इन्हें थोड़ा सा छोटा करवाएंगे, और आके नहाना पड़ेगा भाई। चलो अगर लाइट हुई तो राड है पानी गर्म करने वाला, पानी गर्म करके तो नहा लेंगे। असल में लाइट भी नहीं है ना, आज संडे है तो मुश्किल है कि लाइट भी आएगी। ये हमारे पड़ोसी अहमद साहब, इनका रक्षा था, वो रक्षा भेज दिया अभी।
न्यू लेने के चक्कर में, लेकिन तब तक एक हफ़्ता हो चुका फ्री में ऐसे घूम रहे हैं, ना कि काम ना काज। तो भाई आपको पता कि महंगाई कितनी है, और इस महंगाई के दौर में इस तरह फर्क रहने से क्या गुजारा होता है, बताया ना वाम को दिखाएं, ये देखें। और ये उनके अब्बा जी, वो भी नहीं पूछते कि भैया आप काम पे क्यों नहीं जा रहे, रिक्शा क्यों नहीं ले रहे, कोई पता नहीं। वैसे लॉटरी निकली हुई है, सर्दी है, सर्दी में क्या चलाना रिक्शा, ऐसे ही ठीक है। चाचा शबीर, तकरीबन कितने साल आपने रेड़ा चलाया? 32 साल। 32 साल रेड़ा चलाया, वो रही उनका गधा, वो रही गधे की जो पीछे रेड़ी चलती है, और अभी 32 साल के बाद छोड़ दिया। कभी कभार चला लेते हैं, ये देखिए। और ये इनके छोटे साहबजादे, और इनके एज कितनी है? 60 साल उम्र हो गई है, तो तकरीबन 32 साल खोता रेड़ा पाया है। बड़ी गल है जनाब, इन्होंने इनके छोटे साहबजादे, बड़े से छोटे, जो कि रिक्शा चलाते हैं अभी। जो रिक्शा वो सेल कर दिया, बोलते कि दूसरा लेंगे अच्छा देख के, तो उस पर है जो काम शुरू करेंगे। देखो कब मिलता कब नहीं मिलता। तो दोस्तों अभी धूप निकली थी थोड़ी सी, देखो सूरज निकल चुका है और धुंध भी काफ़ी सारे है जो ख़त्म हो चुकी है, आस्ता आस्ता दोबारा हो रही, पहले ख़त्म हो गई थी काफ़ी सारे, लेकिन जैसे ही सूरज छुपा दोबारा जो धुंध है वो पड़ना शुरू हो चुकी है। बच्चे हैं, बच्चों को कोई पता नहीं है सर्दी है या क्या है, इन्हें कोई परवाह नहीं। हम भी बचपन में ऐसे ही थे, कोई फिका ना फाका था, बस ऐसे ही सर्दी में ना सर पे टोपी, ना शूज़, ना जराबें, ना दस्ताने, और ऐसे ही घूमते थे। दोस्तों अभी हम आए हैं सगन की जो रस्म है वो डाल के, और ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है। मोटरसाइकिल पे गए थे मैं, अम्मी जान और मामू जान का बड़ा बेटा, तो काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 घंटा आने को और 1 घंटा जाने को। तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि आते ही मैं देखें बिस्तर में दबक के बैठ गया हूँ, और अभी खाना वगैरह बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने खाना खाया था तकरीबन समय ने 3-3:30 बजे। तो एक तो सड़क भी ख़राब थी, और बाइक पे तो वैसे भी बंदा जितना भी खा गया वो तो हज़म हो जाती है रोटी वगैरह। तो खैर अभी खाना खाएँगे ज़रा आधे घंटे तक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के मज़ीद मज़ेदार जो व्लॉग हैं वो आपको देखने को मिलते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है आपको नेक्स्ट नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।